एक ऐसा विचित्र बच्चा जिसकी चाहे हड्डी टूटे या फिर उंगली कटकर अलग हो जाए उसे दर्द ही नहीं होता, पर क्यों? और चीन में पत्नी के प्रेग्नेंट होने पर पति को जो रस्म निभानी पड़ती है उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। और अब मार्केट में बिकने लगा है आंसुओं से बनाया जाने वाला नमक। लेकिन आंसुओं से नमक पॉसिबल कैसे है, और किस देश में बाइबल घर में रखने पर फांसी की सजा हो जाती है, और जापान में किटकैट चॉकलेट इतनी पॉपुलर क्यों है, और एक ऐसा आदमी जिसकी मेमोरी इतनी तेज है कि उसे 12,000 किताबें वर्ड टू वर्ड कंठस्थ है, और इस बंदे ने अपनी सारी प्रॉपर्टी एक पेड़ के नाम क्यों कर दी, और एक ऐसी विचित्र महिला जिसने कपड़े पहनने के आलस में अपने शरीर को टैटू से ही ढकवा लिया। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 19। वर्ष 2018 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मर्द को कभी दर्द नहीं होता। इस फिल्म के हीरो को अपने शरीर में होने वाला कोई भी दर्द महसूस नहीं होता, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन में एक ऐसा बच्चा है जिसे सच में अपने शरीर में होने वाला कोई भी दर्द महसूस ही नहीं होता। 9 साल के इस बच्चे का नाम जैक स्किट मोर है। जैक को अपने शरीर में होने वाला कोई भी दर्द महसूस नहीं होता, चाहे इसके शरीर में सुई चुभा दी जाए या इसकी हड्डी टूट जाए, इसे कुछ महसूस नहीं होता। असल में ये बच्चा जैक कॉन्जिनिटल इनसेंसिटिविटी टू पेन नाम की एक रेयर कंडीशन से ग्रसित है, यही कारण है कि इस मर्द को दर्द नहीं होता। नंबर 18। चीन के कुछ खास समुदाय में पत्नी के प्रेग्नेंट होने पर पति को एक ऐसी खतरनाक परंपरा निभानी पड़ती है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कुछ खास इलाकों में निभाए जाने वाले इस परंपरा के मुताबिक जब पत्नी प्रेग्नेंट होती है तब पति उसे अपने कंधे पर उठाकर जलते हुए कोयले के ऊपर नंगे पैर चलता है। इस खतरनाक परंपरा को मनाने के पीछे की वजह ये है कि जब एक औरत माँ बनती है तो उसे बेइंतहा दर्द और परेशानी से गुजरना पड़ता है, और जलते हुए कोयले पर चलकर पुरुषों को भी ये दिखाना पड़ता है कि वो अपनी पत्नी के इस दर्द में उसके साथ है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17। वर्ष 2005 में ड्यूक यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर में बंदरों पर एक रिसर्च किया जा रहा था। इस रिसर्च के दौरान एक भूखे मेल मंकी को एक फीमेल मंकी के शरीर के निचले हिस्से की तस्वीर दिखाई गई। तस्वीर दिखाने के थोड़ी देर बाद ही बंदर के सामने खाना भी रखा गया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मेल मंकी फीमेल मंकी की प्राइवेट तस्वीर देखने में इतना खो गया कि वो खाना तक खाना भूल गया। मैन विल बी मैन, वन मोर रीजन टू बिलीव कि हमारे पूर्वज बंदर ही थे। नंबर 16। दोस्तों, क्या आप अपने आंसुओं से बने नमक को खाना चाहेंगे? जी हाँ, नमक, और वो भी आंसुओं से बना हुआ। अगर आप सोच रहे हैं कि भला आंसुओं से नमक कौन बनाता है, तो भाई लंदन की एक कंपनी ऑलरेडी ये काम कर रही है। ये कंपनी लोगों के आंसू इकट्ठा करके उससे नमक बनाती है। ये कंपनी गम, गुस्से और खुशी के आंसुओं के अलावा प्यास के आंसू और छींक आने पर निकलने वाले आंसुओं से अलग अलग फ्लेवर का नमक तैयार करती है। कंपनी का दावा है कि अलग अलग स्थिति में निकलने वाले आंसुओं से बने नमक का स्वाद भी अलग अलग होता है। दोस्तों, अब आपके लिए एक पहेली है। स्क्रीन पर दिख रहे इस खिलाड़ी को यदि आप पहचानते हैं तो कृपया इसका नाम कॉमेंट में जरूर लिखें। नंबर 15। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टी अपने पालतू जानवरों के नाम कर जाते हैं, लेकिन जॉर्जिया के एक शख्स ने इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने नाम की जमीन एक पेड़ के नाम ही कर दी। दरअसल ये शख्स अपने उस पेड़ से बेहद प्यार करता था, लेकिन उसे डर था कि जब उसकी मौत हो जाएगी तो तब उसकी प्रॉपर्टी के मालिक उस पेड़ को काट देंगे। इस डर की वजह से वो पेड़ जमीन पर था। उस शख्स ने कानूनी तरीके से वो जमीन उस पेड़ के नाम ही लिख दी। वर्ष 1940 में आए तूफान में वो पेड़ गिर गया, जिसके बाद पड़ोस के लोगों ने उसी पेड़ का बीज उस जमीन में लगा दिया, जिससे पुराने पेड़ का वारिस पैदा हो गया और उस जमीन पर उस नए पेड़ का कब्जा हो गया। दिलचस्प बात यह है कि वो जमीन आज भी पेड़ों के नाम पर ही है, और इस पर अब उसी पेड़ के वंशजों का कब्जा है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 14। दोस्तों, किटकैट तो आप सबने खाई होगी और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी ये चॉकलेट खरीदी ही होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में इस किटकैट के 200 से भी ज्यादा फ्लेवर्स मौजूद हैं। जापान में किटकैट काफी मशहूर है और ये वहाँ सबसे ज्यादा बिकने वाली चॉकलेट्स में से एक है। जापान में किटकैट के इस लोकप्रियता के पीछे की वजह ये है कि किटकैट जापानीज लैंग्वेज में किट्टू कात्सू शब्द से मिलता जुलता है, और किट्टू कात्सू का अर्थ श्योरली विन होता है। इस अर्थ की वजह से किटकैट जापानीज लोगों के बीच गुड लक का सिंबल बन गया है। यही वह वजह है जिस कारण किटकैट जापान में बेहद मशहूर है। नंबर 13। जिस देश में लोगों को ढंग से जीने की आजादी भी नहीं है, उस देश में लोगों को धार्मिक आजादी कितनी मिलती होगी? इस बात का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो देश है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में अपने घरों में बाइबल रखना या इसे बेचना गैर कानूनी है। अगर कोई बाइबल के साथ पकड़ा जाता है तो उसे जेल की सजा होती है या फिर मौत की सजा भी दी जा सकती है। ऑफिशियली नॉर्थ कोरिया एक नास्तिक देश है, और इस देश के नागरिकों को सिर्फ देश के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की ही पूजा करने की इजाजत है। नंबर 12। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के रहने वाले एवरी सिक्स नाम के इस शख्स को कॉफी मग से इतना प्यार है कि इन्होंने हजारों कॉफी मग से ही अपना घर बना डाला। कॉफी मग से इनका प्यार आज से 17 साल पहले शुरू हुआ था। इसी दौरान उन्होंने कॉफी मग से अपना घर बनाने का सपना देखा था। अपने इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने दुनिया भर से कॉफी मग कलेक्ट करना शुरू किया,
किया और आखिरकार 17 सालों की मेहनत के बाद उनके पास इतने सारे कॉफी मग जमा हो गए कि जिससे उन्होंने अपना आशियाना बना लिया। 30,000 कॉफी मग से बना ये घर हाउस ऑफ मग के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। नंबर 11, महाराष्ट्र में एक दूल्हे राजा को अपनी बारात देर से लेकर आने की ऐसी सजा भुगतनी पड़ी कि लड़की वाले ने शादी के लिए दूल्हा ही बदल दिया। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के मलकापुर पंगरा गांव में 22 अप्रैल को आयोजित इस शादी का मुहूर्त 4 बजे का रखा गया, लेकिन नशे में टल्ली दूल्हा अपने दोस्तों के साथ नाचने में इतना मशगूल हो गया कि उसे समय की खबर ही नहीं रही। जब दूल्हे राजा अपनी बारात लेकर दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचे तब 8 बज चुके थे, यानी बारात मुहूर्त के समय से 4 घंटे लेट हो चुकी थी। बारात लेट से लेकर आने का खामियाजा इस दूल्हे राजा को इस कदर भुगतना पड़ा कि लड़की वालों ने इस दूल्हे के साथ अपनी बेटी की शादी करने से इनकार कर दिया और शादी में ही आए एक रिश्तेदार के लड़के के साथ दुल्हन की शादी कर दी। नशे में टल्ली दूल्हे समेत तमाम बारातियों को खाली हाथ ही वहां से लौटना पड़ा। हालांकि अगले दिन दूल्हे ने भी किसी और लड़की से शादी कर ली। नंबर 10, जब हम बाजार से पीले केले खरीद कर लाते हैं और अगर 1-2 दिन बाद वो केला ब्राउन होने लगता है तो तब हम उसे खराब समझ कर फेंक देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये वो समय होता है जब केले में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है। केले के ब्राउन होते ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा काफी बढ़ जाती है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के साथ ही व्हाइट ब्लड सेल के काउंट को भी इंक्रीज करता है, जिससे इन्फेक्शन से लड़ने की हमारी बॉडी की क्षमता बढ़ जाती है। नंबर 9, अपनी जिंदगी में होने वाली तमाम घटनाओं को और सिर्फ एक बार किताब को पढ़कर किताब की सारी बातें याद रखने वाले फिल्मी हीरो तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने रियल लाइफ में ऐसा कोई इंसान देखा है? लॉरेंस किम पीक नाम के शख्स मेमोरी पावर के मामले में दुनिया के हर इंसान से बेहतर थे। इन्हें 2 साल की उम्र के बाद से अपनी जिंदगी में होने वाली तमाम घटनाएं अच्छे से याद थी। इनकी मेमोरी पावर इतनी स्ट्रांग थी कि किसी की भी किताब को सिर्फ एक बार पढ़कर किताब की सारी बातें याद कर लेते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हें 12,000 से ज्यादा किताबें कंठस्थ थी। इस एक्सेप्शनल मेमोरी की वजह से इन्हें मेगा सावंत नाम से भी जाना जाता था। वर्ष 2009 में सिर्फ 58 साल की उम्र में लॉरेंस किम ने दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर 8, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के दौरान अमेरिकन फोर्स को कमजोर करने के लिए ब्रिटिश फोर्स ने एक ऐसी साजिश रची जिसके बारे में अमेरिकन फोर्स ने सपने में भी नहीं सोचा था। उस दौर में सैनिकों का प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाना आम बात था। ब्रिटिश फोर्स ने इसी बात का फायदा उठाते हुए रेड लाइट एरियाज में स्मॉल पॉक्स बीमारी से ग्रसित प्रोस्टिट्यूट्स को भेजना शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक इस बीमारी की चपेट में आ गए और बहुत सारे सैनिकों की मौत भी हो गई। यहां तक कि एक अमेरिकन जनरल भी इस बीमारी की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। नंबर 7, बिहार में कहावत है जितने का बबुआ नहीं उतने का झुंझुना, और इस कहावत को सच कर दिखाया है हरियाणा के रहने वाले ब्रिज मोहन ने 71,000 रुपए में अपने लिए एक स्कूटी खरीदी और इस स्कूटी के लिए VIP नंबर खरीदने के लिए उन्होंने इतने पैसे खर्च कर दिए जितने में एक शानदार कार खरीदी जा सकती थी। 71,000 की इस स्कूटी के लिए इन्होंने 15.4 लाख रुपए में एक VIP नंबर खरीदा। ये VIP नंबर है 0001। नंबर 6, पब्लिक बाथरूम में जाने पर हम सबकी सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि बाथरूम साफ है या नहीं। हमारी इस चिंता को सेल्फ क्लीनिंग वाला ये बाथरूम हमेशा के लिए दूर कर सकता है। ये एडवांस्ड बाथरूम हर बार यूज किए जाने के बाद ऑटोमेटिकली खुद की सफाई करता है और टॉयलेट सीट को सैनिटाइज भी करता है। क्लीनिंग के लिए टॉयलेट सीट अंदर की ओर जाती है जहां एक फिक्स्ड मशीन टॉयलेट की अच्छे से सफाई करता है। इसके अलावा हाई प्रेशर वॉशर की मदद से फर्श की भी सफाई की जाती है और हर बार इस्तेमाल के बाद ये बाथरूम फिर से चकाचक हो जाता है। नंबर 5, साइंटिस्ट्स ने एक ऐसी मेटावर्स टेक्नोलॉजी डेवलप्ड की है जिसकी मदद से आप किसी को भी किस कर सकते हैं और उसे फील भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ रियल किस। मेटावर्स टेक्नोलॉजी की मदद से भी किस करने की ये फीलिंग आपके माउथ, लिप्स और टंग में होती है। सच में इस टेक्नोलॉजी ने तो सिंगल लॉन्डो को जीने की एक नई वजह दे दी। नंबर 4, जब हमें बस से कहीं सफर करना हो तब हमें भयंकर गर्मी में बस स्टॉप पर बस का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अगर आप दुबई में रहते हैं तो फिर आपको बस स्टॉप की भयंकर गर्मी से निजात मिल सकता है, क्योंकि दुबई दुनिया का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां एयर कंडीशनर बस स्टॉप बनाए गए हैं। दुबई की चिलचिलाती गर्मी में बस का इंतजार करने वाले यात्रियों को होने वाली परेशानी अब इस एयर कंडीशनर बस स्टॉप की वजह से खत्म हो गई। नंबर 3, कंप्यूटर एरर को बग कहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस टेक्नोलॉजिकल एरर को बग क्यों कहा जाता है? इसके पीछे की वजह बेहद दिलचस्प है और वजह ये है कि कंप्यूटर में होने वाला सबसे पहला एरर एक रियल बग की वजह से हुआ था। रियल बग के द्वारा पैदा किए गए कंप्यूटर के सबसे पहले एरर के बाद से ही कंप्यूटर एरर को बग कहा जाने लगा। नंबर 2, अमेरिकन ऑथर स्टीफन किंग को एक बार एक वैन ने टक्कर मार दी थी जिसमें बाल बाल उनकी जान बची। इस घटना के बाद स्टीफन किंग ने उस वैन से बदला लेने का फैसला किया। उन्होंने वो वैन खरीद ली और खुद को टक्कर मारने के जुर्म में अपनी नजरों के सामने ही उस वैन को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। नंबर 1, किसी ने सच ही कहा है कि शौक बड़ी चीज होती है। किसी को घूमने का शौक होता है तो किसी को किताबें पढ़ने का, किसी को खाने का शौक
होता है तो किसी को अच्छे कपड़े पहनने का, लेकिन बहुत से लोगों को अपने शरीर पर टैटू बनवाने का शौक होता है। लोग अपने इस शौक को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अमीर लोग इसके लिए जमकर पैसा खर्च करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने टैटू की वजह से दुनिया भर में छाई हुई है। खबरों के अनुसार इस महिला को कपड़े पहनने में आलस आता था, इसलिए उन्होंने अपने पूरे शरीर को रंग बिरंगे टैटू से ढक लिया। सोशल मीडिया पर इस महिला की तस्वीरें अब वायरल हो रही है। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी की रहने वाली कैस्ट्रिन प्रिस्टन को टैटू बनवाने का शौक है। उन्होंने टैटू बनाने के लिए अब तक $25,000 यानी 24 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर डाले हैं। प्रिस्टन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई तस्वीरें अपलोड कर रखी है। हाल ही में उन्होंने कुछ फोटो साझा की जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।